तो क्या टाइगर दिखाएंगे आज? आपको नसीब में टाइगर नसीब होगा तो मिलेगा। कभी आपको आपके सामने भी किसी टाइगर ने अटैक किया इधर? वो है टाइगर, वो है टाइगर। तो होगा 13-14 फीट का। ये जो जगह आप लोग देख रहे हो, जैसे हमारे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल से पहले रामनगर आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जगह का नाम रामनगर है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है रामनगर। बस इसके बाद 2 घंटे बाद आएगा सुंदरवन। तो देख सकते हो आप, हम लोग कोलकाता से यहाँ पर आए हैं सुंदरवन के लिए, और सुंदरवन में हमें 11 किलोमीटर पहले ही नाव का सफ़र तय करना होगा। एक्चुअली अभी तो रात के बज गए हैं 2, तो हम लोग यहाँ पर रुकने का कोई साधन है नहीं, ना रिजोर्ट है ना होटल है। तो रिजोर्ट और होटल तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग अपने टेंट में ही आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, और ये आशुपा जी, तो ये मैं हूँ, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये गाड़ियाँ हैं और भी है, मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगा क्योंकि अब थकान हो गई है बहुत ज़्यादा और जल्दी उठना है सुबह। तो फिर अब हम लोग सोते हैं, फिर गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं अपने टेंट से बाहर। बहुत ज़्यादा फोग है यहाँ पर सुंदरवन के पास। ये गड्डी खड़ी है अपनी, हम लोग निकल चुके हैं सुंदरवन के लिए, बस जा रहे हैं। ये हमारी बोट आ चुकी है उधर, और उस बोट में हम लोग रहेंगे। ये आप देख सकते हो किस तरह से जाने का बना हुआ है, टोटल नदी है इधर, और ये भाई है, नदी आ गया, अब रूपा जी आ गए। तो ये अपनी बोट है, अब उस बोट पे जाएंगे हम लोग आगे। तो क्या टाइगर दिखाएंगे आज? आपको नसीब होगा तो मिलेगा, तो बता रहे हैं कि नसीब होगा तो टाइगर मिलेगा। और ये अब हम लोग इस बोट से, ये देखिए साहिल और किनारा सब साथ में है, आज उपाजी भी साथ में है। तो ये है कि मजा आने वाला है, और आपको टाइगर हम सुंदर बन के भी दिखाने वाले हैं, जबरदस्त। पूरा बोट आज हमारे कब्जे में रहेगा, ये आप देख सकते हो। ये अब इधर से जाएंगे और इधर से निकल जाएंगे हम लोग, ये आप देख सकते हो, प्रॉपर पूरा सिस्टम बना हुआ है। वो देखिए, इधर ही रहता है बस, किस एरिया में? जंगल की है, 1 घंटा दूर है जंगल, 1 घंटा दूर है, 1 घंटा दूर है, बिल्कुल आगे जंगल है। तो वो टाइगर इधर तो कभी आने का मतलब ही नहीं होता, कभी नहीं। तो दिखता है टाइगर? हाँ। अभी जो जंगल है वो हमसे 1 घंटे की दूरी पर है, जो फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर का राज है, अभी हमें 1 घंटा लगने वाला है पहुंचने में। सुंदरवन मेरे हमेशा दिल के करीब रहा है, मेरी एक तमन्ना थी कि मैं आऊं सुंदरवन। और ये देखिए बोट चारों तरफ।
ये देख सकते हैं बोट पर किस तरह से पूरा सेटअप किया हुआ है। पानी है, नीचे किचन है इसमें बना हुआ, सारा अरेंजमेंट है इसके अंदर ना, वॉशरूम है नीचे, देख सकते हैं ये सब बना हुआ है। मतलब एक अलग ही दुनिया है सुंदरवन भी, कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो चीज़ें हैं, और उन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो करता है हमारा टाइगर, जो कि जिम कॉर्बेट में भी आपको अपनी तरफ खींचता है और सुंदरवन में हमें भी और आपको भी अपनी तरफ खींचता है। तो बस यही है जो आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा आया हूँ। सुंदरवन के बारे में मैं कुछ ऐसे फैक्ट भी आपको बता देता हूँ कि ये मैंग्रोव का जो सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर मैंग्रोव होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, और ये 10,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और गंगा नदी का जो तट है सारा पूरा एरिया वही है, आप इसे देख सकते हो। और लगभग यहाँ पर जो इस टाइम बाघ है वो 103 बाघ है। कितना टाइम लगेगा अभी हमें पहुँचने में? हम लोगों को 30 से 35 मिनट लगेगा। वहाँ से जंगल की एंट्री होगी, तो वहाँ से जंगल की एंट्री होगी, और अभी तो हम है, नदी है, और ये बोट है, ये देखिए आप, ही मछली पकड़ी जा रही है यहाँ से। हमेशा इस तरह की जो वीडियोस है सुंदरवन की आती रहती हैं कि मछली पकड़ रहे और पीछे से टाइगर ने अटैक किया। कभी आपको आपके सामने भी किसी टाइगर ने अटैक किया इधर? किया है अटैक? सामने कोई अटैक नहीं किया, जंगल में घुस रहा था, देखा उसका नीचे उसका नीचे कब जा रहा है जंगल में। तो जो लोग फिश पकड़ते हैं उन पे कुछ अटैक वगैरह करता है क्या? करता है, मतलब उन्हें ले जाता है आराम से। ये बता रहे हैं कि जो जंगल में यहाँ पर जो मछली पकड़ी जाती है और यहाँ पर जो रहते हैं लोग, उनको टाइगर उठा करके भी ले जाता है। क्या बात है, यहाँ की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी सुंदरवन की। आ रहे हो? ये जो बोटा नाव आ रहा है ना, हाँ हाँ, ये जंगल के खड़ी में घुस जाता है, ठीक है? अच्छा, इन लोगों को ज्यादा मारता है टाइगर के अटैक से। बंगाल टाइगर ले जाता है इन्हें। अच्छा, ये मैं दिखाता हूँ आपको जो मछली पकड़ने वाले हैं मछुआरे, ये मछली पकड़ते हैं यहाँ पर। इस तरह से ब्लॉग बनाने का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल नया और एक अलग ही टाइप का मेरा एक्सपीरियंस है, कि मैं बैठा हूँ नाव पर विशेष तरीके से, और आप देख सारा सुंदर बना एरिया है, साफ हो जाएगा फिर हम आप निकल जाएंगे। ये है देखिए आप शिप, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, सारा सेटअप है इसके अंदर, सभी कुछ है। ये लिखा हुआ है सुंदरवन चलो। ये देख सकते हो आप, हम लोग आ चुके हैं पाठीराला गांव में। ये एक शॉप है, नारियल पानी पी रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो सुंदरबन कल्चर रंग मिला है। ये देखिए आप देख सकते हो, हम लोग ये एंट्री कर चुके हैं, और ये यहाँ पर जाल लगा हुआ है, जाली मतलब फेंसिंग लगी हुई है, कोई क्रॉस ना करे यहाँ से। ये देख सकते हो आप, टाइगर इधर से इधर ना जाए, इस वजह से ये लगाया गया है।
ये है सुंदरवन का सारा क्षेत्र, ये देख सकते हो आप। हम लोगों की एंट्री हो रही है सुंदरवन टाइगर रिजर्व के अंदर। यहाँ पर एंट्री करने के बाद हम लोग फिर निकलेंगे जंगल की ओर। लगभग मतलब कितना टाइगर होगा इधर? 135-30। हाँ, जंगल में 135-30 होता है। 135-30 है। और ये जो वॉच टावर बना हुआ है ऊपर जहाँ से लोग देख रहे हैं, तो क्या टाइगर कभी कभी दिखता है या ऐसे ही है बस सिर्फ? ऐसे ही। तो अंदर जाकर के ही टाइगर दिखेगा, यहाँ तो नहीं होगा। ये सुंदरवन में जो वॉच टावर है वो देख सकते हो आप किस तरह की डिजाइनिंग की गई है इसके अंदर। चिकी पिकी ये देखिए क्या बना हुआ है, मैंग्रोव इंटरप्रिटेशन सेंटर टाइगर रॉड्स, सो ब्यूटीफुल। और ये है सुंदरवन टाइगर रिजर्व यू आर हियर। हम लोग इस साइड में हैं और ये सब इसमें डिटेल लिखी हुई है। पार्क से हम लोग निकलते हुए जो बना हुआ है यहाँ पर, अब हमारी बोट आ गई है, अब हम अपनी बोट पर निकलेंगे। हम लोग यहाँ से एंट्री करने वाले हैं, ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे और उसके बाद जंगल में एंट्री होगी। जो सबसे पहले हमें दिखा है वो दिखा है स्पॉटेड डियर, ये देखिए कितना ज्यादा टाइगर इस साइड से, इस साइड जाता है। अगर इस साइड से इधर जाता है पानी से होता हुआ, अगर पानी वो निकल जाता है बता रहे, इधर ज्यादा मूवमेंट रहता है टाइगर का। इस साइड जब था लोकल साइड में जी, और जो जाल था ना, हाँ, हवाई जाल, इस साइड में दोनों साइड में कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम खुला। अच्छा, एक खुला है पूरा एरिया, तो यहाँ दिख सकता है, देखते हैं फिर लेफ्ट में राइट में कहीं भी दिख सकता है, इधर या इधर, इधर दोनों साइड में कहीं भी दिख सकता है। ये देखिए और ये जो ये क्या है, ये इसकी ये सांस में, ठीक है, सांस लेते हैं ये जो है, हाँ। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं सांस में, ये सांस लेते हैं तो ऊपर से ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे तक होते हैं, जमीन तक? ये जमीन में नहीं जाते हैं, ज्यादा ही ऊपर ऊपर ही हो जाते हैं। मगरमच्छ कहाँ होंगे? इसी वाली में ही होंगे, इसी लाइन में आएंगे। इस चीज का बेसब्री से इंतजार है और वो है टाइगर, वो है टाइगर करके मैं आपको बताऊं और आप उसे देखें तो मेरी बात का मन ही अलग हो जाए, फिर तो सुंदरवन का भी टाइगर आपको दिखा दिया जाए तो कितना मजा आएगा। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और अब सुंदरवन। काफ़ी देर हो गई है ढूंढते ढूंढते, जो हमारी सर्चिंग का मेन हीरो है वो है बंगाल टाइगर, सुंदरवन का किंग है वो। लेकिन अभी जो मिला है हमें वो आप देख सकते हो क्या मिला है, ये देखिए, ये क्या है, ये है क्रोकोडाइल। इसको तो बाघ भी अटैक करता होगा ना इस पर, तो क्रोकोडाइल पर, हाँ, ले जाता है, इनको ले जाता है बाघ भी, ये देख सकते हो आप। मैं आपको दिखाऊंगा क्रोकोडाइल, बहुत ही ठंडी हवा है, बहुत ही मस्त हवा है इस टाइम, आप देख सकते हो क्या हवा है, और काफी बड़ा क्रोकोडाइल है ये।
देखिए इससे बड़ा है क्या? इससे बड़ा है ये? नहीं नहीं ये तो होगा 13-14 फीट का। देखो आप ये पानी में जा रहा है, आस्ते करो आस्ते करो आस्ते करो, ये पानी में जा रहा है। और ये गया पानी में, लेफ्ट साइड से ना सामने देखिए किस तरह की ये जो नदी का जो छोर है इस तरह से हम लोग डर हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ा टापू है, मेरे तो हो रहा सर में दर्द। मैं जा रहा हूँ चाय बनाने और कड़क स्ट्रॉन्ग चाय। अब समझ के बीच में चाय बनाने का एक्सपीरियंस भी हो गया मुझे जिस तरह से मैं चाय बनाऊँगा। और ये देखिए ये नज़ारे हैं और ये उतर रहा हूँ मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। और आप देख सकते हो किस तरह का ये व्यू है और मैं इधर से ही चाय बना रहा हूँ। ये टाइगर की सर्फिंग करते करते चाय का मज़ा लेने का एक अलग ही अनुभव है जो कि आपको देखने को। और ये चुपा जी चाय रेडी है, हाँ फड़ो। आप नहीं लेंगे चाय? मैं तो टाइगर की ज्यादा है वो हो रही है इस टाइम देखने की। बंगाल टाइगर की सर्चिंग करते करते हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आया, लेकिन जो नदी है नदी के साथ जो ये पूरा टापू है वो देखिए किस तरह से नज़र आ रहा है। देख सकते हो अलग ही अनुभव है, ठंडी हवा है। और अभी हम लोगों ने बस जस्ट चाय पीने के हम लोग आ चुके हैं वापस सुंदरबन से। और ये यहाँ पहुँच गए, उसके बाद पहुँचेंगे अपना गाड़ी के अंदर। हम लोग निकल चुके हैं कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। तो मैं अपने ब्लॉग को ही समाप्त करता हूँ के साथ। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।